ये जो ट्रेन देख रहे हैं भागलपुर से जमालपुर की कटवा वर्धमान पैसेंजर, जमालपुर भागलपुर के बीच रेलवे ट्रैक पर बाढ़ पीड़ित परिवार घनी आबादी में रह रहा है, धीरे धीरे चलाया जा रहा है। नमस्कार, समाचार सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं रंगीला 2.0 कवाज में, आप देख रहे हैं G2.0 फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आप लोग मेरे वीडियो के नीचे बहुत सारा कमेंट किए कि ट्रेन कब चलेगी जमालपुर भागलपुर के बीच। जमालपुर भागलपुर के बीच लगभग ट्रेन चल रही है, हम लगभग 1.5 घंटा से इंतजार कर रहे हैं। कौन ट्रेन कहाँ चल रही है, किस लाइन में जा रहा है, कैसे चल रहा है? हालांकि जो भी ट्रेन चल रही है मेरे हिसाब से वो सभी ट्रेन की परिचालन गतिविधि पूरा धीमी से चल रही है, ना कि तेज रफ्तार में। जमालपुर भागलपुर के बीच रेलवे ट्रैक पर बाढ़ पीड़ित परिवार घनी आबादी में रह रहा है, जिसके कारण से कोई भी ट्रेन धीरे धीरे चलाया जा रहा है। हालांकि रेलवे ट्रैक को ट्रायल कर रहा है कि कहीं दब तो नहीं रहा है, धस तो नहीं रहा है, ताकि कोई घटना दुर्घटना ना हो। यह जो ट्रेन देख रहे हैं ये है जमालपुर भागलपुर कटवा वर्धमान पैसेंजर, जो कि चलना शुरू हो गया है। ये जो ट्रेन देख रहे हैं भागलपुर से जमालपुर की ओर जा रही है, ब्रह्मपुत्र मेल है, कल्याणपुर घोरघाट के बीच है, जो कि इंटरसिटी की परिचालन गतिविधि शुरू हो गया है। हावड़ा ट्रेन है जो कि कल्याणपुर रोड रेलवे स्टेशन से चलकर भागलपुर की तरफ से जा रही है। हालांकि जमालपुर भागलपुर रेलखंड के बीच लगभग ट्रेन चलने की पूरा उम्मीद है। भागलपुर जयनगर हावड़ा ट्रेन लिखा हुआ है, जो कि ट्रेन की सिलसिला थम नहीं रही है। जिस तरह देख रहे रेलवे ट्रैक पर माल जाल आदमी परवानी की मंजर किस तरह है, ठीक इसी तरह जमालपुर भागलपुर के बीच रेलवे ट्रैक के दोनों साइड ऋषिकुंड बरियारपुर कल्याणपुर घोरघाट सुल्तानगंज तक इसी तरह नजरिया है। घनी आबादी के साथ रेलवे ट्रक के सहारे बाढ़ पीड़ित परिवार रह रहा है। ये देखिए सुबह सुबह बांका तरफ ये ट्रेन जाती है, ट्रेन चलने लगी। हालांकि पूरा टोटल ट्रेन नहीं चलेगा, बार बार इसको रेलवे ट्रक को चेक चाक कर रहा है, जहाँ तहाँ कभी मालगाड़ी से रेलवे ट्रक को चेक कर रहा है, तो कभी पैसेंजर चलाकर चेक कर रहा है। चेक इसलिए कर रहा है ताकि रेलवे ट्रक दबे ना। रेलवे ट्रक के अप डाउन दोनों साइड गंगा नदी की जलस्तर अधिक होने की वजह से जमालपुर भागलपुर रेलखंड की 13 ट्रेन बंद कर दिया था। कुछ ट्रेन खगड़िया कटिहार की तरफ से चलाया था, तो कुछ ट्रेन क्यूल झाझा होते हुए जेसीडी के रास्ते से चलाया था। चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जमालपुर भागलपुर रेलखंड की खबरें G2.0 के साथ बस इतना सा।